गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज हम लोग यहां पर एटमेगा 8 के इनबिल्ट एडीसी की प्रोग्रामिंग को देखेंगे। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू आप इससे प्रीवियस जो दो वीडियोस है, वीडियो नंबर 18 और वीडियो नंबर 19, उनको जरूर देख लें, क्योंकि उन वीडियोज में मैंने आप लोगों को एडीसी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बताया है। सेकेंडली, हम लोग यहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले को भी यूज करने वाले हैं। अगर आप लोगों को LCD इंटरफेसिंग नहीं आती है तो उससे भी प्रीवियस दो वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 16 और 17, आप उनको भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमुलेशन करेंगे और उसके बाद इसको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ADC के लिए एक एनालॉग इनपुट सोर्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लिया हुआ है जिसको 5 वोल्ट हम लोगों ने सप्लाई दी हुई है। इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको हम लोग ADC चैनल 1 में फीड कर रहे हैं, और इसके वोल्टेज लेवल को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। सेकेंडली, हम लोगों ने यहाँ पर एक LCD लगाई हुई है। LCD का RSRW इनेबल पिन PB3, PB4, PB5 में कनेक्ट है, और इसकी जो डेटा पिन है D0, D1, सोन, D7 जो है वो कनेक्ट है PD1, PD2, सोन, PD7 से। और एक चीज यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान देनी है, मैंने आपको बताया था AVCC को आप लोगों ने हमेशा एक वोल्टेज देनी होती है जो कि VCC से प्लस माइनस 3 वोल्ट अप और डाउन हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 वोल्ट इसको सप्लाई दिया हुआ है। तो ये आप लोगों ने सिमुलेशन करके देखना है। यहाँ पर आप लोगों के जो 3 कंपोनेंट्स है, दैट इज एटमेगा 8, LCD डिस्प्ले और पोटेंशियोमीटर, वो आप लोगों को कंपोनेंट्स मोड में मिल जाएगा, और आप लोगों का जो ये वोल्ट मीटर है वो आप लोगों को वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रोग्रामिंग को। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोगों को AVR/IO.h वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिले भी यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए util/delay.h नाम की हेडर फाइल भी इंक्लूड की है। नेक्स्ट, हम लोगों ने यहाँ पर 3 फंक्शंस बनाए हैं LCD के लिए। सबसे पहला जो फंक्शन है ये LCD को कमांड भेजने के लिए है। सेकंड जो फंक्शन है वो LCD को डेटा भेजने के लिए है, जिसमें हम लोग एक बार में एक कैरेक्टर को भेज सकते हैं। तो बार बार एक एक कैरेक्टर भेजना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसके लिए हम लोगों ने एक तीसरा फंक्शन बनाया जिसमें आप लोग पूरी स्ट्रिंग को एक साथ भेज सकते हैं। ये तीनों फंक्शंस मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होता है, जो भी कमांड आप भेजेंगे वो पोर्ट डी के थ्रू भेजने वाले हैं, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर RSRW और इनेबल पिन को PB3, PB4, PB5 में कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप लोग कमांड रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो PB3 को आप 0 देते हैं, अगर आप डेटा भेजने वाले होंगे तो PB3 को 1 देंगे। उसके बाद आपका PB4 में हमेशा वैल्यूज 0 रहेंगी, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ राइट ऑपरेशन करने वाले हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों का PB5, किसी भी डेटा या कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों ने एक पल्स देनी होती है हाई टू लो, तो वो चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहले हाई देंगे और उसके बाद उसको कुछ डिले देने के बाद लो करेंगे। तो ये आप लोगों का कमांड भेजने के लिए फंक्शन है। इसके बाद हम लोगों ने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है जिसके थ्रू हम लोग LCD में कैरेक्टर को भेज सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने PB3 की वैल्यू को 1 कर दिया, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर डेटा को ट्रांसमिट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग एक बार में एक ही कैरेक्टर को भेज सकते हैं, तो हम लोगों का जो प्रोग्राम होगा वो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो अगर आप लोग एक साथ स्ट्रिंग को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों का ये फंक्शन है, जिसमें जो भी स्ट्रिंग हम लोग भेजेंगे वो कैर वाई के अंदर स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लूप लगाएंगे जिसमें हम लोग चेक करते रहेंगे जहां तक हमारी स्ट्रिंग आ रही है। देखिए, स्ट्रिंग जब भी हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, स्ट्रिंग के एंड में हम लोगों का जो एरे है वो कुछ इस वैल्यू को स्टोर करता है, तो हम लोग यहाँ पर वही चीज बार बार चेक कर रहे हैं। जब तक हम लोगों की ये वैल्यू नहीं आती है तब तक जो भी डेटा आएगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये आप लोगों के मेन 3 फंक्शंस हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मेन फंक्शन को लिखा हुआ है। मेन के अंदर आप लोगों ने DDR B में PB3, PB4 और PB5 को 1 देना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की LCD की RSRW और इनेबल पिन है। इसके बाद आप लोगों का जो भी डेटा ट्रांसमिशन होगा वो D के थ्रू होगा, तो आप लोगों ने DDR D में सारी वैल्यूज को 1 कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कमांड्स भेजी हैं,
सबसे पहले हम लोगों की 0x38 है जो 8 बिट मोड को सेलेक्ट करने के लिए होती है। उसके बाद हम लोगों ने 0x0E यहाँ पर भेजी है जो आप लोगों की LCD ऑन कर्सर ऑन के लिए होती है। अगेन आप लोग एक और कमांड भेजेंगे 0x01 जो कि अगर कोई गार्बेज वैल्यूज वहां पर शो हो रहेंगी तो उसको क्लियर करेगा। इतना होने के बाद LCD में हम लोग कोई भी डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक अनसाइंड इंट A1 लिया है जिसमें हम लोग ADC के रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बाद जो भी डेटा हम लोगों का ADC डेटा रजिस्टर में स्टोर होगा उसको बेसिकली ये होल्ड करेगा। इसके बाद A1 में जो भी हमारा डेटा स्टोर होगा उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और एक एरे में डाल देंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कैर एक्स के नाम से। इसके बाद हम लोगों का काम होता है ADC रजिस्टर्स को सेट करना। देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को सारे स्टेप्स बता चुका हूँ, यहाँ पर हम लोग वन बाय वन वही सारी चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों का काम होता है अपने ADC को इनेबल करना। ADC इनेबल करने के लिए हम लोग ADCSRA जो रजिस्टर है उसकी ADEN वाली बिट को 1 देते हैं। इसके बाद हम लोगों का काम होता है प्री स्केलर को सेट करना। यहाँ पर मैं डिवीजन फैक्टर 128 ले रहा हूं तो उसके लिए आप लोगों ने ADPS0, ADPS1 और ADPS2 को 1-1 वैल्यूज दी है। इसके बाद हम लोगों का काम होता है रेफरेंस वोल्टेज को सेट करना। मैं यहाँ पर ABCC को ही रेफरेंस वोल्टेज सेट करने वाला हूं। उसके लिए आप लोग ADMUX में REFS0 जो बिट होती है उसको हाई कर देंगे। तो इतना काम हम लोगों का यहाँ पर हो गया। देखिए हम लोगों ने अपने ADC को इनेबल कर दिया, अपना प्री स्केलर सेट कर दिया और रेफरेंस वोल्टेज सेट कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक वाइल लूप लगाया इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। और इसके बाद हम लोगों का काम होता है अपने चैनल को सेलेक्ट करना। मैं फिलहाल यहाँ पर ADC1 चैनल को सेलेक्ट करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने एक यहाँ पर इंट चैनल लिया जिसको वैल्यू 1 दी है। इसके बाद हम लोगों ने ये चीज ADMUX में भी सेट करनी होती है, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर ADMUX और इज इक्वल टू चैनल 1 लिखा है। यहाँ पर और जो हम लोगों ने ऑपरेशन किया वो इसके लिए किया है क्योंकि हम लोगों को इससे पहले जो भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं उसको भी होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लोगों का जो चैनल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों ने ADCSRA में ADSC जो बिट होती है उसको 1 दे दिया। अब ये वैल्यू हम लोगों की तब तक 1 रहती है जब तक हम लोगों का कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता, और जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट होता है हम लोगों की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब तक ये कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोगों ने वेट करना है, और उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वाइल लूप लगाया है जिसमें हम लोग बार बार चेक कर रहे हैं अपनी ADSC बिट को। तो जैसे ही हम लोगों का यहाँ पर कन्वर्जन कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोगों का ये लूप ब्रेक होगा। जैसे ही हम लोगों का लूप यहाँ पर ब्रेक होगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक A1 नाम का इंटीजर लिया था उसमें हम लोग अपनी ADC डेटा रजिस्टर की वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का काम होता है A1 में स्टोर्ड वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर ITOA फंक्शन होता है। जो भी हम लोगों की A1 में वैल्यूज होंगी वो स्टोर हो जाएंगी हम लोगों के X नाम के एरे में। इसके बाद हम लोगों का काम है जो भी ये वैल्यूज आई हैं इनको अपने स्क्रीन में डिस्प्ले करवाना। तो उसके लिए अगेन आप लोग यहाँ पर एक कमांड भेज रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं। और इसके बाद आप लोगों ने अपनी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी कहां पर आप लोगों ने एग्जैक्टली डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोग यहां पर 80 सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपका पहला रो और पहला कॉलम। और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद अपनी स्ट्रिंग को भेजेंगे, तो स्ट्रिंग हम लोगों ने यहां पर भेजी है ADC वैल्यू। तो आप लोगों का जो स्क्रीन है उसमें ADC वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने जो भी वैल्यू X में स्टोर है उसको डिस्प्ले करवाना है अपनी सेकेंड रो में। तो उसके लिए अगेन हम लोग यहाँ पर अपनी पोजिशन को सेट करेंगे और फिर अपने जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये हम लोगों का कोड है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का। इसके बाद इसको हम लोग सिमुलेट करके देख लेते हैं। मैं यहां पर अपने माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर लेता हूं। इसके बाद हम लोग अपने एनिमेशन को प्ले करेंगे। एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर अपने स्टेप साइज को निकालना है। स्टेप साइज का फॉर्मूला होता है आप लोगों का VREF डिवाइडेड बाय रिजोल्यूशन माइनस 1। यहाँ पर हम लोगों ने जो रेफरेंस वोल्टेज लिया है वो 5 वोल्ट है और रिजोल्यूशन हम लोगों का 10 बिट का है, दैट मींस 1024 आप लोगों को यहाँ पर रिजोल्यूशन मिलेगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो स्टेप साइज है वो आएगा 0.004887 वोल्ट्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 4.887
मिलीवोल्ट्स। नाउ स्टेप साइज हम लोगों को यहां से मिल चुका है। इसके बाद आउटपुट का हम लोगों का फॉर्मूला होता है आउटपुट इज इक्वल टू वी इन डिवाइडेड बाय स्टेप साइज। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे और वेरीफाई करेंगे हम लोगों के इनपुट और आउटपुट को। तो एनिमेशन को यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर जिस समय हम लोगों का 0 वोल्ट यहां पर है उस समय हमारी एडीसी की वैल्यू भी 0 है, और अगर मैं इसकी वैल्यू एकदम 100% कर दूं दैट इज 5 वोल्ट कर दूं तो उस केस में आप लोगों की यहां पर वैल्यू 1023 आ रही है। अगेन इसको अगर आप वेरी करके 50 के आसपास ले आते हैं तो इस समय आप लोगों की जो वैल्यू है वो समथिंग अराउंड 522 ही होनी चाहिए, और वही वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर वेरिएशन करेंगे वैसे वैसे आप पाएंगे यहाँ पर अपनी एडीसी की अलग अलग वैल्यूज को। इसके बाद अगर आप लोग एडीसी वैल्यू की जगह यहाँ पर वोल्टेज दिखाना चाहते हैं तो कुछ कैलकुलेशन हम लोगों को अपने प्रोग्राम में करनी होगी, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभी तक हम लोग प्रोग्राम में एडीसी में जो भी वैल्यू आ रही थी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे और उस चीज को डिस्प्ले करवा रहे थे अपने एलसीडी में। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर एडीसी की जो वैल्यू है उसको स्टोर नहीं करना है, तो इन लाइंस को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एडीसी वैल्यू, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी, इनको मैं कमेंट लाइन से हटा रहा हूं। तो यहां पर मैंने VON नाम से एक वेरिएबल लिया है फ्लो टाइप का, जिसमें हम लोग एडीसी की जो भी वैल्यूज आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने स्टेप साइज से। तो जैसे हम लोग अपने एडीसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप साइज से तो हम लोगों को वोल्टेज लेवल वहां पर पता चल जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों का काम यहां पर होगा VOL में जो भी वैल्यू आई है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। यहां पर हम लोगों के पास D2STRF नाम का एक फंक्शन है जो डबल वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है, तो ये फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और जो भी हम लोगों की यहाँ पर वैल्यू थी वो एक्स में स्टोर हो जाएगी, और इसके बाद हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे अपने एलसीडी में। तो ये आप लोगों का प्रोग्राम है वोल्टेज को अपने एलसीडी में डिस्प्ले करवाने के लिए। तो इसको मैं बिल्ट यहाँ से कर लेता हूँ। तो बिल्ट हो चुका है हम लोगों का प्रोग्राम यहाँ पर, अब इसको हम लोग सिमुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोलर को प्रोग्राम कर लेता हूँ और इसके बाद हम लोग अपने एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर हम लोगों की वैल्यू 3.15 आ रही है दोनों में, और जैसे जैसे आप लोग इसको वेरी करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को वैल्यूज यहां पर चेंज होती दिखेंगी। अगर मैं इसको एकदम 5 कर दूं या हाई कर दूं तो आप लोगों को 5 वोल्ट यहां पर दिखेगा, एकदम इसको लो अगर आप कर देते हैं तो आप लोगों को 0.0 दिखाएगा, और ऐसे ऐसे आप लोगों का यहां पर आउटपुट आएगा। नेक्स्ट इसको हम लोग अपने हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को मैं यहां पर प्रोग्राम कर चुका हूं और सारे कनेक्शंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं। यहां पर इनपुट यूनिट में हम लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज किया है। जैसे जैसे आप लोगों का वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग वेरी करेंगे वैसे वैसे हम लोगों का वोल्टेज यहां पर वेरी होता हुआ नजर आएगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे एलसीडी में हम लोगों की जो वोल्टेज का लेवल है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये आप लोगों का बेसिक सा एडीसी का एक प्रोग्राम है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।